हेलो गाइस, मैं हूं रयान। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बार बार कमेंट्स में बोला था कि ये कार के लिए ट्रैक बनाने के लिए, तो देखो फाइनली यहां पे एक बहुत बड़ा ट्रैक मैंने बना दिया है। आज ये कार को ट्रैक के ऊपर चलाने वाला हूं मैं। साथ में आपको बताऊंगा मेरे पास दुनिया की बहुत ज्यादा छोटी छोटी आरसी कार्स भी है, वो एक बार दिखा देता हूं। ये है दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी माइक्रो लेवल की मॉन्स्टर पुलिस कार। ये तो आपको पता होगा टर्बो रेसिंग की दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी एक कंटेनर ट्रक है। और यहाँ पे देखो दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी एक कैमरे वाली कार है। आप इसको बहुत ही छोटे छोटे रास्तों पे भी चला सकते हो। और ये दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी वॉट से चलने वाली F1 कार है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी ड्रिफ्टिंग आरसी कार है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी डिफेंडर आरसी कार है। और ये तो आपको पता होगा दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी सुपर स्पोर्ट्स आरसी कार है। और इसके बारे में तो क्या ही बताऊं यार, ये है मर्सिडीज G63। ये भी बहुत ज्यादा छोटे साइज की है। तो आज इन सभी को चलाने के लिए मैंने एक ट्रैक बनाया है। ये ट्रैक भाई काफी ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि देखो ये ट्रैक पहले तो आपको इस तरीके के रोड की तरह दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का रैंप आएगा, फिर यहाँ से कार आएगी ये रैंप के ऊपर। ये रैंप पिछले वाले रैंप से काफी ज्यादा बड़े साइज का है। फिर कार आएगी हमारी ये इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से यहां से ऊपर चढ़ाई करेगी। उसके बाद आएगी कार ये टेबल के ऊपर। फिर कार आएगी ये बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से नीचे उतरने के बाद कार को यहां पर आकर रुकना होगा। देखते हैं गाइस आज कौन सी कार ये रैंप को पार कर पाएगी। ओके, ये कार को पहले यहाँ पे नॉर्मल में चला के बताने वाला हूँ, फिर इसको ट्रैक पे भी चलाएंगे। ऐसे नहीं है कि सभी कार्स एक ही कैटेगरी की है। देखो काफी अलग अलग कैटेगरी की कार्स मैंने आज चूज की है। जैसे कि ये वाली कार को आप ये वॉच वाले रिमोट से भी चला सकते हो बटन दबा के, उसके बाद इसको वॉइस से भी कंट्रोल करके चला सकते हो। गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, गो बैक, टर्न राइट, गो फॉरवर्ड। देखो मैंने अभी स्टॉप बोल दिया, ये यहाँ पे आके रुक चुकी है। सच में भाई बहुत ही यूनिक कार है ये। अब ये जो ट्रक है दुनिया का सबसे ज्यादा छोटा वाला ट्रक है। ये बड़ा ट्रक का ही छोटा मॉडल आप बोल सकते हो। ये इतना ज्यादा छोटा है यार आपके हाथ में पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। इसके अंदर आप हॉर्न वगैरह भी बजा सकते हो। साथ में देखो ये पीछे का जो ट्रेलर है इसको भी आप यहाँ से अलग कर सकते हो बिना हाथ लगाए। पूरा का पूरा इसका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक ये पीछे का ट्रेलर अलग भी हो जाता है। वापस से इसका इंजन यहाँ पे लगने पे ये ऑटोमेटिक तरीके से जुड़ भी जाता है। तो भाई इसको चलाने में अलग लेवल का मजा आता है और ये दिखने में बहुत ज्यादा एक रियल ट्रक जैसा ही दिखता है। आज जो मैंने ट्रैक बनाया है वो खास तौर पे इस तरीके की माइक्रो लेवल कैटेगरी की कार्स के लिए ही बनाया है। इसके अंदर स्पीड कम ज्यादा करने के लिए एक बटन है। अभी इसकी स्पीड को मैंने सिर्फ 20% पे रखा है। अगर इसको मैं हाई स्पीड में कर दूंगा ना तो ये कार प्रॉपर तरीके से नजर ही नहीं आती यार, ये इतनी ज्यादा तेज चलती है। अब ये जो डिफेंडर मेरे पास है इसको आप स्केल मॉडल भी बोल सकते हो और आरसी मॉडल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीटली मेटल की बनी हुई है। साथ में इसके अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल मोटर भी दी गई है। और ये 4x4 होने के कारण इसके सामने जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसके ऊपर से ये काफी आराम से निकल जाती है। और इसके टायर्स बिल्कुल रियल कार के जैसे टायर होते हैं वैसे ही बनाए गए हैं। इस वजह से गाइस इसको हर जगह पे बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप मिल जाती है। यहाँ पे देखो इतनी बड़ी कार मैंने रखी थी इसके ऊपर से भी इसने जंप लगा दी है। तो गाइस सबसे पहले वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डॉट चार्जर आरसी कार को मैं ये ट्रैक के ऊपर चलाने वाला हूँ। यहाँ पे हर एक कार को मैं दो दो चांस देने वाला हूँ, देखते हैं ये कितने चांस में ये ट्रैक को पार करेगी। स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। तो पहले इसको मैं रोड के ऊपर धीरे धीरे चलाऊंगा यार, क्योंकि ये देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा शार्प टर्न्स है। ये नीचे आ गई है ट्रैक के, यहाँ पे इसका एक चांस खत्म हो चुका है। अब यहाँ से मैं इसको टर्न करा के सीधा रैंप के ऊपर लेके जाने वाला हूँ, देखते हैं रैंप जंप कर पाएगी या फिर नहीं। ये बहुत ही मस्त तरीके से इसने रैंप जंप कर दिया यार। अब इसके सामने और एक बड़ा रैंप आने वाला है, देखते हैं ये कितनी दूर तक जंप करेगी यहाँ से। वो नो गाइस, यहाँ पे बड़े वाले रैंप के पास ये इस तरीके से पलट चुकी है और इसके दो चांसेस खत्म हो चुके हैं। अब इसको हटाते हैं साइड में। तो अब दुनिया के सबसे ज्यादा छोटे ट्रक को ये ट्रैक के ऊपर मैं चलाने वाला हूँ, देखते हैं गाइस ये किस तरीके से चलता है। पहली चीज इसकी जो लेंथ है ट्रैक के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ी है। यहाँ पे इसकी स्टार्ट हो चुकी है रनिंग। अरे यार, ओ भाई देख रही हो गाइस इतने खतरनाक टर्न पे भी ये काफी आराम से टर्न ले चुकी है। अब इसके सामने रैंप आ चुका है, रैंप के ऊपर ये नहीं चढ़ पा रही है यार। ओ भाई इसका सामने वाला पार्ट अलग हो चुका है। तो एक काम करते हैं सिर्फ इसके इंजन को चला के देखते हैं ये रैंप जंप कर पाएगी या फिर नहीं। यहाँ से चढ़ाई कर चुकी है,
पर देखो गाइस, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। अगर मैं इसको रैंप जंप कराना चाहूं तो भी नहीं करा पा रहा हूं। तो अब रैंप के ऊपर आ चुकी है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट मॉन्स्टर पुलिस कार। देखते हैं गाइस ये कितनी दूर तक चल पाती है। ओके, ठीक ठाक तरीके से चल रही है। इसके टायर्स बड़े होने के कारण देखो ये काफी इजीली यहाँ से भी निकल चुकी है और इसका एक भी चांस यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अब इसके सामने छोटा सा रैंप आ चुका है, रैंप जंप मार के देखो यार वापस से ट्रैक के ऊपर आ चुकी है। अब इसके सामने बड़ा वाला रैंप आ चुका है, देखते हैं। ओ माय गॉड, बड़े वाले रैंप पे से तो यार ये जंप लगाते लगाते पलट गई थी। इसका एक चांस खत्म हो चुका है। अब इसको मैं धीरे धीरे ये शार्प टर्न के पास से टर्न ले रहा हूँ, तो टर्न ले चुकी है ये। अब टर्निंग के पास एक और रैंप आ चुका है, देखते हैं यहाँ से जंप करा के। ओ माय गॉड, काफी सही तरीके से इसने जंप कर दिया यार। अब इसको मैं धीरे धीरे ये जिगजैग रोड के ऊपर चलाने वाला हूँ। अब यहाँ पे बहुत ही खतरनाक चीजें आने वाली है इसके सामने, ये देखो। मेरे को लगता है यहाँ से तो ये काफी आराम से निकल जाएगी क्योंकि ये बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर जो है काफी दूर दूर है। अब देखते हैं ये ऊपर चढ़ेगी या फिर नहीं। वो पूरी कोशिश कर रही है कार ऊपर चढ़ने के लिए पर चढ़ नहीं पा रही है गाइस। अब ये कार में ना एक माइनस पॉइंट दिया गया है, वो है इसका सिर्फ टू व्हील ड्राइव। अगर इसके सामने के व्हील के अंदर भी पावर होती तो मेरे को लगता है गाइस ये इतने बड़े स्पीड ब्रेकर पे भी काफी आराम से चढ़ जाती, पर यहाँ पर आकर ये फाइनली रुक चुकी है। अब ये ट्रैक के ऊपर आ चुकी है अपनी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डिफेंडर आरसी कार। देखते हैं गाइस क्या ये ट्रैक के ऊपर से चलेगी या फिर नीचे गिरेगी। स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसको। ओहो, इसकी कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा सही है यार, पर इसका भी साइज देखो ट्रैक के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा है। आज देखते हैं ये ट्रैक को पार कर पाएगी या फिर नहीं। सामने एक रैंप आ चुका है, पहले वाले रैंप के ऊपर से तो इसने जंप लगा दिया है। ये दूसरा वाला रैंप है, यहाँ से भी ये निकल चुकी है। अब इसको यहाँ से शार्प टर्न लेके वापस से ये बड़े से रैंप के ऊपर जंप लगाना है। ओके, ओ माय गॉड, काफी सही तरीके से इसने जंप लगा लिया है। अब जिगजैग रोड आ चुकी है इसके पास, जिगजैग रोड पे से भी ये काफी सही तरीके से काफी आराम से निकल चुकी है। अब बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स आ चुके हैं, स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से भी भाई साहब काफी सही तरीके से चल रही है। अब इसके सामने चढ़ाई आ चुकी है, यहाँ से मैं इसको फुल स्पीड में ऊपर चढ़ाने वाला हूँ। ओ भाई, ये कार इतनी दूर तक पहुंचेगी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एक काम करते हैं इसको यहीं पे ही रोकते हैं, इसके पीछे पीछे अब दूसरी कार को चलाते हैं। तो अब इसको चलाने वाला हूँ मैं। अरे बाप रे, ये कुछ ज्यादा ही फास्ट है यार। अगर इसके रिमोट में मैं थोड़ा सा भी बटन दबा रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा आगे निकल रही है या फिर बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ जा रही है। फिर एक बार ट्राई करते हैं इसको चलाने के लिए। ये देखो गाइस, ओए ये अपने आप ही चल रही है गाइस, क्योंकि ये वॉइस कंट्रोल से काम करती है। तो भाई मेरे को नहीं लगता ये चलने लायक है ये ट्रैक के ऊपर। देखते ही देखते मर्सिडीज जी वैगन पूरे ट्रैक को पार करके यहाँ पर आकर फंस गई है। स्पीड ब्रेकर के ऊपर ये चढ़ चुकी है, देखते हैं यहाँ से निकलेगी या फिर नहीं। यार ये तो यहाँ से हिल भी नहीं पा रही है, मैंने इसको थोड़ा सा रिवर्स ले लिया है। ये स्पीड ब्रेकर्स नॉर्मल वाले स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, बड़ी बड़ी कार्स भी यहाँ पर फंस जाती है, वैसे ही ये मर्सिडीज जी वैगन भी यहाँ पर आकर फंस गई है। फिर मैंने ये कैमरे वाली कार को भी चला के देखा था, मेरे को लगा कि जिसके टायर्स के ऊपर ग्रिप अच्छी होने के कारण ये बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से निकल जाएगी, पर इसकी भी हालत सेम मेरे को लग रही है गाइस। दो तीन स्पीड ब्रेकर के ऊपर चढ़ने के बाद इसकी बैटरी पूरी तरीके से लो हो चुकी है। फिर दोस्तों मैंने ये सुपर स्पोर्ट्स कार को भी चला के देखा था, ये सुपर स्पोर्ट्स कार आधे रास्ते तक तो बहुत आराम से पहुंच गई थी, उसके बाद इसके सामने जैसे ही इस तरीके के रैंप्स आ रहे थे ये बिल्कुल भी जंप नहीं लगा पा रही थी यहाँ से। अब जितना भी ट्रैक है देखते हैं ये डिफेंडर पार करेगी या फिर नहीं, इसको यहाँ से उतारते हैं। यहाँ पे इसका हिल डिसेंट कंट्रोल काम करेगा या फिर नहीं चेक करते हैं गाइस। यहाँ पे देखो, ओहो, साथ में यहाँ पे बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स भी है, कार यहाँ से पलट के नीचे भी गिर सकती है, पर इसकी बैलेंसिंग काफी सही है यार। देखो ये डिफेंडर पूरे ट्रैक को काफी आसानी से पार कर चुकी है, पूरे ट्रैक को इसने सिंगल अटेम्प्ट में ही पार कर दिया है। गाइस अब देखो यहाँ पे मैं पुश बैक कराने वाला हूँ डिफेंडर वर्सेस ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ड्रिफ्ट आरसी कार के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। डिफेंडर ने पलट के रख दिया है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ड्रिफ्ट कार को। अब दोस्तों डिफेंडर से लड़ाई करने के लिए ये जी वैगन आ चुकी है। जी वैगन तो यार ट्रैक के ऊपर उतना कुछ खास आज नहीं कर पाई है, देखते हैं क्या है जी वैगन डिफेंडर को हरा पाएगी या फिर नहीं। एक दो तीन, यहाँ पे लड़ाई चालू हो चुकी है। ओ भाई साहब, यहाँ पे डिफेंडर ने काफी इजिली इतनी बड़ी जी वैगन को ही हरा दिया है। देखो जी वैगन इसको पीछे ढकेलने की पूरी कोशिश कर रही है, पर वापस से यहाँ पे जी वैगन को डिफेंडर ने पीछे ढकेल दिया है।
डिफेंडर ने तो यार यहाँ पे हालत खराब कर दी है सबकी। अब देखते हैं क्या ये सुपर स्पोर्ट्स आरसी कार को हरा पाएगी या फिर नहीं। 1 2 3 स्टार्ट। ओ भाई, सुपर स्पोर्ट्स कार ने डिफेंडर को पलट के रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इन कार्स के बीच में लाइट कंपैरिजन करके देखते हैं। यहाँ पे सभी कार्स को मैंने रख दिया है, साथ में देखो बत्ती भी बुझा दी है। डिफेंडर की लाइट्स भी काफी ज्यादा ब्राइट है और यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइट लाइट मेरे को ये ट्रक की लग रही है गाइस, उसके बाद ये पुलिस कार की लग रही है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आज की वीडियो में आपको सबसे ज्यादा अच्छी कार कौन सी लगी ये भी जरूर बताना। चलो भी मैं दूंगा शाउट आउट। पहला नाम है अनुज, यूसुफ, हंसराज, पिंकू, विनोद, वरनप्रीत, मोहम्मद, तब्रेज, चेतन, सुनील नाग। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।